जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डीजे नील बदर और आप देख रहे हैं अमित जी 10 डीजे। आज दसवीं का दिन है, भैया ने कंपटीशन लिया है भदोही सिटी में। भदोही सिटी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और हमारे साथ में है अमित जी 10 डीजे के ओनर। हाँ नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। माय नेम इज मायास मिश्रा, आई एम फ्रॉम अलाहाबाद बेसिकली, एंड वी आर हियर टू कम्पीट विद मल्टीपल डीजेस एंड यू विल सी इट विद इन फ्यू मिनट्स। भैया ने पूरे SS स्टील का यूज किया है। अच्छा भैया ये बताइए, अमित जी G10 का क्या मतलब है? जी का मतलब होता है एक तरीके से रिस्पेक्ट देना, और जैसा कि आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स में 10 सबसे ऊपर आता है, तो इसलिए 10 का मतलब है सबसे ऊपर रहना, जो है लाइफ में सबसे ऊपर रहना, जिस एरिया में फील्ड में हो उसमें ऊपर रहने की बात हो रही है। भैया का मतलब है हमारा डीजे टॉप 10 पे है, यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टॉप 10 पे। चलिए दिखाते हैं भैया का पूरा SS, पूरा स्टील का बना हुआ है। भैया कितने साल से चला रहे हैं डीजे? 10 साल हो गए बिजनेस करते हुए। भैया का बताएं कि हम पढ़े हैं, कोर्स किए हैं डीजे का, ऑडियोस का। हाँ भैया, हाँ मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, जो IT मुझे मेरी इंजीनियरिंग है, और मैंने डीजे के स्पेशल कोर्सेस लिए हुए हैं, जो है कई सारी वेबसाइट्स हैं, तो एक वेबसाइट ऐसे करके आती है बी यूनिक करके है, वहाँ से मैंने ली हुई है। अच्छा। जी चलिए आइए दिखाते हैं डीजे सेटअप। आइए भैया, एक बार भैया का नाम दिखाइए यहाँ पे। भैया पहली बार आए हमारे भदोही में कंपटीशन के लिए, और आप आगे आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे पूरा, ये देख रहे हैं। भैया कितना ऊंचाई होगा डीजे आपका? आपका डीजे लगभग 8 फीट का है। 1 फीट? 8 फीट। 8 फीट ऊंचा है। और भैया लंबाई कितना होगा डीजे का? लंबाई पूरी ऐसे लगभग 18 फीट में होगा। 18 से 20 फीट होगा इनका। देख लीजिए भैया क्या क्या लगाया है यहाँ पे। आइए भैया इधर आइए, इधर आइए थे ऑपरेटर। एक कॉमेडी की तरफ से है भैया, आपका भी लिया जाएगा, रुकिए भैया पूरा यहाँ पे थोड़ा सा पोज करो, रुको थोड़ा, एक और ही हो रही है दो यार भैया, एक और ही हो गया तो इसमें ले लेता फिर अपन फुल जरे वीडियो आई है भाई। इमन हम कुछ बात बोलेंगे भाई, आप बोलोगे भैया रुको, आपका भी काम नहीं है, जब आएगा तो ला लेंगे, ठीक है? अबे चल साइड हो, अच्छा टेढ़ा मत करो, से सीधा करो, ठीक है? और पीछे जो पूरी खबर है भाई बोली, रुका रहा बोला बाद में, रुका बोला बाद में। हम तुम्हें भाई फेसबुक पर बराबर देखे थे, तुम आने जा जी मान का वहीं दिखा दी थी, मजाक कर रही थी। भैया ने कितना टॉप लगाया है? टॉप 5 है, जो है 15 इंच के 600-600 वाट के टॉप हैं। अच्छा आप अपना एड्रेस नहीं बताया, कहाँ से आए हैं? हनुमानगंज इलाहाबाद प्रयागराज के नाम से जाना जाता है अभी। तो भैया ने क्या क्या लगाया अभी आप? हमने 6 बेस लगाया हुआ है, जिसमें 2 21 इंच के और 4 18 इंच के हैं, और जो 21 इंच का बेस है वो 2500-2500 वाट का है, और जो 18 इंच के हैं वो 1300-1300 वाट के हैं आहूजा के। अच्छा आहूजा के स्पीकर लगाए भैया ने 21 इंच का? नहीं, 18 इंच आहूजा का है, 21 इंच SLV का है। अच्छा SLV बोलते हैं, और कितने बॉइस इंच में होगा कॉयल? 6 इंच में है, 6 इंच बॉइस कॉयल में है इनका। और HF भैया कितना यूज़ किए हैं आप? HF 150 यूज किए हैं जो है, और जिसमें से 450 से लेके 800 ATI प्रो के आता है A800 मॉडल, वो लगभग 20 वो लगे हुए हैं, और 50 के करीब जो है 450 लगी हुई है, और उसके ऊपर योगी प्रो कंपनी है जो कि जापान की है, उसका 518 लगा हुआ है, 40 करीब। अच्छा और भैया आप एम्पलीफायर क्या यूज़ कर रहे हैं अभी? एम्पलीफायर में बेस के लिए हम यूज कर रहे हैं एम्प्रो का, और SLV की तरफ से आता है D30 जो कि क्लास D का बहुत ही बेहतरीन एम्पलीफायर है, उसको यूज कर रहे हैं। और टॉप के लिए हम यूज कर रहे हैं एम्प्रो और डायनाटेक का, जो है एम्प्रो 3200 मॉडल नंबर आता है, और 4200 करके भी आता है वो है, और डायनाटेक का 5000 वाट है टॉप के लिए। आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ इम्प्रो एम्पलीफायर बहुत ही इम्पोर्टेड है, बहुत ही अच्छा चलता है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, और स्टेंजर का भी देखते होंगे बहुत चलता है हमारे यहाँ, HF के लिए स्टेंजर का यूज़ किया जाता है, हम UP से हैं। उसके अलावा एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ हमने यूज़ किया वो है DSP, जिसको डिजिटल स्पीकर प्रोटेक्टर कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि आप फ्रीक्वेंसी को अलग अलग करके कि बेस के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो दे सकते हैं, अगर आप टॉप के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो दे सकते हैं, HF के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए तो वो दे सकते हैं। तो जो भी आपके व्यूअर हैं वो चाहें तो DSP का यूज़ कर सकते हैं अपने स्पीकर प्रोटेक्शन या अपने HF प्रोटेक्शन के लिए, उसके लिए आपको कैपेसिटर भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इक्विलाइजर का यूज़ करते हैं आप? नहीं नहीं, वो जो DSP है उसमें पूरा इक्विलाइजर आ जाता है, क्रॉसओवर आ जाता है, डिले आ जाता है, सारी चीज़ें उसमें एक ही पूरा कंबाइंड है वो। तो आप मतलब इक्विलाइजर का काम कर लेगा ये पूरा? वो DSP का काम ही होता है पूरा, वही काम है, उसको ऑटो रैक 260 भी बोला जाता है, जो कि
DBX की तरफ से आता है, लेकिन मैं ATI Pro कंपनी का यूज कर रहा हूँ। भैया ने बहुत नए नए कंपनी नाम बता दिए, आपको चाहिए तो भैया का सुन लीजिए, ठीक है। और ये DJ मिक्सर यूज कर रहे हैं आप? हाँ, DJ मिक्सर यूज कर रहे हैं ATI Pro की तरफ से। फिलहाल दो मिक्सर्स हमारे पास, एक एक्स्ट्रा स्पेयर में है, दूसरा जो है वो डायनाटेक की तरफ से DDJ6EB करके, और एक जो हम इसमें करंट में यूज कर रहे हैं वो ऑपरेशनल जो है वो है ATI Pro का DDJ3AM करके है। और DG क्या यूज कर रहे हैं? DG मतलब कितने KVA का है? DG 40 KVA का है जो है, और हमारे पास कुल 28 kW का लोड है, और DG हम कुल मिलाकर 40 KVA का यूज कर रहे हैं। अच्छा, और भैया ने, और इससे बड़ा बड़ा सेट लगाते हैं आप? हाँ बिल्कुल, इससे बड़ा लगाते हैं, इससे बड़ा, जैसे इसमें जो है कुल मिला के लगभग 12 से 13 जो है कैबिनेट्स हैं, अदरवाइज हम 20 या 25 वैसे भी लगा, बट हाँ लाइव साउंड नहीं लगाते हैं, सिर्फ DJ के लिए है। अच्छा, हाँ भैया लाइव इवेंट नहीं करते हैं, खाली DJ कंपटीशन का करते हैं, कोई शादी मैरिज हॉल हुआ तो फिर ऐसे ऐसे चलाते हैं, शुभ अवसर पर बोलते हैं ना, सब वही सब चलाते हैं। और भैया का सेटअप देख लीजिए, थोड़ा भैया हटिए, थोड़ा देखिए उनको दिखाइए, अभी देख लीजिए 18 इंच 21 इंच का बेस लगा हुआ है, और भैया बजाते हैं तब दिखाते हैं इनका कमाल। भैया लाइट शार्पी में क्या यूज़ कर रहे हैं आप? शार्पी में हम बिग डीपर की तरफ से है 10R जो है उसको यूज कर रहे हैं। अच्छा, बीफर में 10R का है वो यूज कर रहे हैं शार्पी में। और पार्क लाइट कितने होंगे आपके? पार्क लाइट वैसे 12 हैं, वो भी बिग डीपर के हैं। अच्छा, लाइट हम सारे बिग डीपर का यूज कर रहे हैं। 100 बल्ब में? हाँ हाँ, सब नहीं, वो 54 में है। अपना एम्पलीफायर दिखाएंगे क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? चलिए ठीक है, बंद करो। भैया के एम्पलीफायर देख लीजिए आप, क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? जैसा कि ये 4208 है एम्प्रो की तरफ से है, और उसके बाद ये आपका जो है जो बेस बजाने के लिए हम यूज कर रहे हैं D30 जो है SLV की तरफ से आता है, क्लास डी का, और SMPS बेस्ड एम्पलीफायर। इसका वेट सिर्फ और सिर्फ जो है 6 kg है, जो कि 14,000 वाट का एम्पलीफायर है। जैसे कि भैया बता रहे हैं कि इसमें ट्रांसफार्मर का यूज नहीं हुआ है, एम्पलीफायर पावर सप्लाई का यूज हुआ है। SMPS है भैया, क्या काम है इसका? इसका बेस 21 इंच बजाने का काम है इसका। अच्छा, इसे आप 21 इंच बनाते हैं? 21 इंच बजाते हैं। कितना वेट होगा इसका कुल मिला के? ये बहुत ही लाइट वेट है, 6 kg है इसका वेट। अच्छा, और आप इसके साथ पूरा लेंगे तो इसका पूरा 8 kg वेट आ रहा। अच्छा भैया, क्या प्राइस आता होगा SLV का? इसमें 105,000 रुपये का है। 105,000? हाँ। कितना वाट है? 14,000 वाट। ये 14,000 वाट का आपने देखा? 14,000 वाट 2 ohms पे 14,000 वाट है, 7,000 वाट पर चैनल 2 ohms पे। अच्छा अच्छा, जो आपने बताया है 21 इंच का स्पीकर, कितने वाट का है ये? वो 2,500 वाट के हैं, दो स्पीकर हैं 2,500 वाट के, स्कूप बेस के साथ। जो कैबिनेट हम यूज करें वो स्कूप बेस का है। मैंने अभी भदोही में था, पहली बार देखा है 21 इंच और 18 इंच और SLV का एम्पलीफायर, बहुत ही लाइट वेट में है, SMPS पावर सप्लाई के साथ में है। आप देख पा रहे होंगे ये है आपका SLV एम्पलीफायर, बहुत ही गजब का सेटअप है इनका। अब भैया ये कौन सा एम्पलीफायर है? आईफर लैब का Z6 है, इसको भी हम 18 इंच का बेस बजाने के लिए 1300 वाट के बेस के लिए यूज कर रहे हैं। इसे 6,000 वाट का एम्पलीफायर है जाइफर लैब की तरफ से। ये 6,000 वाट का जाइफर लैब का एम्पलीफायर है, इसे भैया 18 इंच का स्पीकर बजाते हैं। भैया कितना बजाते हैं वो 18 इंच का? इसे हम 4 स्पीकर, एक पर चैनल पे 2 स्पीकर, पर चैनल पे 2 स्पीकर बजा रहे हैं। और भैया ने इंजीनियरिंग की हुई है, और भैया अपना खुद सेटअप चलाते हैं। भैया कितना सेटअप है आपके पास प्रेजेंट टाइम? तीन सेटअप हमारे पास, 3 DJ कुल मिला के हैं। अच्छा भैया, 3 सेटअप यूज कर रहे हैं। ये DSP है, क्रॉसओवर जैसे काम करता है इक्विलाइजर का। इसमें देखिए, इस पे दिया हुआ है, देखिए ये क्रॉसओवर है, थोड़ा जूम कर दीजिए। इसमें देखिए, ये आप देखेंगे तो ये एक्स ओवर जो लिखा हुआ है ये क्रॉस ओवर है, इसके नीचे EQ आपको मिल जाएगा, इसके नीचे RTA माइक एक होता है, रियल टाइम एनालिसिस होता है। लाउड साउंड में जैसे क्या होता है, कभी कभी हमको पिंक नॉइस देखने को मिलती है, तो वो नहीं देखने को मिलेगी, इसमें भी ये सेटअप दिया गया। जो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही होगी उस पिंक नॉइस को ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसको कट डाउन कर देता है, रिड्यूस। और उसके बाद जो है आपको ये देखिए EQ दिया, इक्विलाइजर दिया हुआ है यहाँ पे, आप पूरा का पूरा इससे EQ सेट कर सकते हैं, जो जिस तरीके का EQ आप चाहते हैं, और उसके बाद डिले भी कर सकते हैं आप इसमें। और उसके अलावा इसमें सबसे एक खूबी है कि इसमें लिमिटेड दिया हुआ है, जैसे जिस लिमिट पे आप इसको कर देंगे उसके ऊपर नहीं जाएगा ये। अच्छा, आप मिक्सर से कुछ भी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता इससे तो स्पीकर बचा रहेगा, सेफ रहेगा, जल्द स्पीकर सेफ रहेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि जैसे क्रॉसओवर डिजिटल दिया हुआ है, ये देखिए XOR क्रॉसओवर डिजिटल है, तो आप जो फ्रीक्वेंसी चाहते हैं, जैसे बेस के लिए हम 250 Hz की फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, तो बेस के लिए आप 250 Hz की फ्रीक्वेंसी आराम से दे सकते हैं जो है। भैया ये कितने का आता होगा? ये लगभग ऑलमोस्ट अगर आप ATI Pro का लेते हैं तो 22,000 का पड़ेगा, तो DBX जो है वो 32,000 रुपये का आता है। पूरा सेटअप कहाँ से लिए हैं आप? ये सेटअप हम इलाहाबाद से लिए हैं, कुछ दिल्ली से खरीदे हैं जो इसे। कुछ दिल्ली से लिए हैं, कुछ इलाहाबाद प्रयागराज से लिए हैं। भैया इसके बजाने के लिए आप लैपटॉप का यूज करते हैं? ASUS है और 2 लैपटॉप हैं, एक HP है, एक ASUS है। अच्छा,
और बाकी तो आप एम्प्रो देख ही रहे हैं, डायनाटेक है ये, डायनाटेक 5008 है, टॉप बजाने के लिए आप देख रहे हो, डायनाटेक बहुत ही कमाल का एम्पलीफायर होता है, देख लीजिए 5000 वाट है ना भैया, 5000 वाट है, फिर इसमें 4200 वाट है एम्प्रो एम्पलीफायर का, और इसके बाद ये कितना है भैया, ये डीजे मिक्सर है, डीजे मिक्सर आप देखते हो देख रहे होंगे, बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है, मेरे हिसाब से बहुत ही प्रोफेशनल है इनका सेन। और आप जनरेटर आगे लगाए हैं? हाँ जनरेटर आगे, भैया का पूरा सेटअप है, क्रॉसओवर का इस्तेमाल नहीं किए हैं, क्योंकि क्रॉसओवर इनबिल्ट हमें मिल जा रहा है इसमें, डी क्या बोलते हैं इस डीएसपी में, तो इसलिए हम नहीं हो चुके हैं इसको। भैया बता रहे हैं कि इंक्लूड है इसके अंदर सारा कुछ, तो अपना ए, स्टेबलाइजर कितने का है? स्टेबलाइजर हम 3 यूज कर रहे हैं, एक 10 KVA का है, हाँ। और उसके बाद जो है एक 7.5 KVA, एक 5 KVA। अच्छा, स्टेंजर के लिए 5 KVA यूज कर रहे हैं, टॉप बजाने के लिए 7.5 KVA, और बेस बजाने के लिए 10 KVA। अच्छा, और प्रोटेक्ट के लिए आपने MCB का इस्तेमाल यहाँ पर किया? आइसोलेटर है, आइसोलेटर है, आइसोलेटर का फिर यूज करके, मतलब आइसोलेटर इसलिए जिसे हम कट कर सकें, जो है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए मैंने स्टेबलाइजर के अंदर जो रिले लगा रखे हैं, कट के लिए ऑटो वोल्टेज है इनके पास में स्टेबलाइजर का, ये खाली इसको क्या बोलते हैं, ये आइसोलेटर, आइसोलेटर है, खाली ऑन ऑफ के काम आता है, है ना भैया? हाँ उसी के काम आता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सेटअप बनाया है, बारिश का माहौल है इसके लिए भैया पूरा ढाक तोप के आए हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए एक हमारे भाई है बहुत ही परेशान है बोलने के लिए, देखिए क्या बोल लेते हैं, माता का विसर्जन है आज, 10वीं का दिन है, 2022 का कंपटीशन कर रहे हैं भैया आज। हेलो भाई, ये हमारे भदोही में कम से कम नहीं तो 100-200 डीजे आता है, और यहाँ कंपटीशन के बहुत शौकीन हैं, और कानपुर से इलाहाबाद से हर जगह से डीजे आता है, और जैसे कि हमारे रोमी दरोपुर के लोकल सोकल डीजे हैं, और बजाते कम हैं और क्या नाम है नाम ज़्यादा कमाते हैं, और हमारे देखिए बहुत दूर दूर से हरमानगंज से आया है और इलाहाबाद से आया, बहुत दूर दूर से आए हैं, तो हमारे कहने के भदोही लोग सब दूर के डीजे बुलाएं, और हमारे भदोही के कोई डीजे नहीं सही है। अच्छा भैया नामवा बता दीजिए। नाम मेरा है हलीम अख्तर नाम है। भैया ने बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरव्यू दिया है, इसके लिए मैं भैया का भारी रहूँगा, और भैया कुछ कहेंगे? बिल्कुल, हम यही कहना चाहेंगे अगर आपको कोई भी सेटअप से रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज चाहिए हो तो इनको आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा इनके कमेंट में जाके आंसर करने की, आप भैया खुद ही आंसर कर देंगे आपको उसका जो भी टेक्निकल आपकी क्वेरीज रहेंगी। भैया ने सारी डिटेल्स बना दी है, और भैया बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत ही खुश हैं, यहाँ बहुत ही प्यारे लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं यहाँ पे, देखिए सब खड़े हैं, सब देख रहे हैं, सब वीडियो में आने के लिए उत्सुक हैं, तब तक हमारा चैनल देखती रहिए। डीजे नील ब्रदर नमस्ते, जय हिंद जय भारत।